तो जय श्री राम भाई लोग, अब रेडी हो गया हूँ भाई मैं। हम लोग आज जाना दौलताबाद फोर्ट, तो मैं रेडी हो चुका हूँ, बाकी अभी कोई रेडी नहीं हुआ है। देख लो, आ जाओ। ये अभी जस्ट रेडी हुआ है और मैं 8 बजे से रेडी होके बैठा हूँ। चलिए दूसरे रूम में देखते हैं वो लोग का क्या हाल है। सुबह से रेडी होके बैठा। हाँ भाई, दिख रहा है, वो दिख रहा है। इसको देखो, ये गौर से देखो, अभी तक रेडी नहीं हुआ। और यहाँ पे कौन कौन रेडी हुआ है कि नहीं? संजय भाई रेडी हो गए? सत्यम रेडी हो? एक सेकेंड, सचिन ये रहा, देखो टेस्ट, ये क्या आया है? वो अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये क्या आया भाई? और अभी 2:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने अभी पिज्जा ऑर्डर किया, पार्सल मंगाया है। पिज्जा? अरे वो वाला तो उठाओ। कौन सा वाला? और स्वीट मंगाया है, चीज केक वगैरह, आइस और सकते, चीज केक, आइसक्रीम। लास्ट बन चुके हैं, सुबह ट्रैकिंग करनी है। आज भाई, आज मेरा दोस्ती से भरोसा उठ गया। ये लोग आखिरी बार है इस ब्लॉग में, अगली बार मैं अकेले आऊंगा, लेकिन ये लोग को तो नहीं लेके आऊंगा। 2:30 बजे बोलते। तो भाई हम लोग पहुंच गए देवगिरी फोर्ट, बस गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं। हाँ भाई, मैं दिखाता हूँ फोटो आपको। ये रहा, अब चलते हैं ऊपर। नाश्ता बहुत हैवी कर लिया हम लोग ने, अब पहाड़ ने नहीं, ये लोग ने, ये इसने दो पूरी खाई, सड़ी के दो प्लेट पूरी खाई, तीन प्लेट पूरी खाई और एक एक प्लेट में 8-8 पूरी थी भाई। तीन प्लेट पूरी खाई, दो आलू पराठे खाए भाई ने, और दो मिसल पाव भी खाए इसने, और बाद में चाय सबका मैंने खा लिया। अब पहाड़ पे चढ़ने की ताकत आ गई, चलो चढ़ते हैं। यहाँ पे टिकट का भाव लिखा भाई, इस भाई कैमरे का भी है भाई, जिस कैमरे का भी है, कैमरे का भी है। 10 रुपये चेंज है किसी का? ये मैं इसको बार बार देख रहा हूँ, अलग से वीडियो ले रहा भाई, तू क्या है दे रहा है? गद्दारी कर पे? लिंक कैमरा है, कैमरा लिया किसने? अरे क्या टिकट तो वैसे है, यहाँ पे धांधली चल रही है टिकट। हाँ क्या धांधली चल रही है? सारे टिकट वेरिफिकेशन हो रहा है। चलो ला इसे, उसमें रख लेता ना। नंबर कहाँ लिखा है इसमें? नंबर नहीं लिखा, 52 याद रखना है, याद रखना बस। गाइस 52 याद रखना, आप लोग हमारे लिए जब हम नहीं लगना तो फिर। इस हिंदू राजा ने 900 साल पहले ये किला, तो भाई हम लोग ने एक गाइड भी कर लिया है, दो फैमिली थी, साथ में डिवाइड कर लेंगे पैसा। यहाँ आने के बाद दो रास्ते दिखाई पड़ेंगे, दरवाजे आपको फेस टू फेस नहीं दिखता है, पहला दरवाजा तिरछा, दूसरा आ गया तो उस में कितने पत्थर का रास्ता था। आप देखो नीचे दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है फर्श बंदी या फर्श बंदी। में शहर होता था, 1948 तक लोग रहते थे। शहर की सुरक्षा के लिए ये चौकी है, 50 मीटर 100 मीटर के ऊपर में पहरेदार इस पर बैठेगा, खड़े रहेगा, आने वाले जाने वालों पे निगरानी करेगा। सो गाइस ये देखिए वाटर टैंक, टैंक नहीं वाटर कूलर। गाइस को टैंक समझ में आएगा, कूलर नहीं समझ में था, यादव टाइम में बाद में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में इसका मस्जिद बना, घूमटे लगा दिए, कमाने लगा दिए, लुक दिया मस्जिद का। ये आधा मंदिर आधा मस्जिद होने की वजह से
इस एरिया में झगड़ा शुरू हुआ, मनमुटाव। तो झगड़े का या मनमुटाव का सोल्यूशन गवर्नमेंट ने ऐसा किया, भारत माता सबके लिए एक है इसलिए भारत माता का मूर्ति रखा है, नाम दिया भारत माता मंदिर और आपसी झगड़ा मिटाया। अब ये कोई रिलीजन के लिए ना होकर सब भारतीय लोगों का मंदिर है। आपको मीनार दिखता है, दिख रहा है ना? 1996 में एक लड़के ने वहाँ से सुसाइड की और सुसाइड होने की वजह से इसको बंद कर दिया है। इसमें 248 सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। राइट सर, देखिए आपको क्या लग रहा है मैं वीडियो किस लिए बना रहा हूँ? अभी दो मिनट पहले आपने बोला 2011 में 1996 में सुसाइड हुआ, अभी बोलता है 2011 में हुआ। उनके हिसाब से वो अपडेट हो रहा है। आ जाओ, दो मिनट का है इसी लिए गाइड नहीं लेते। क्या मतलब गाइड? अरे जनन है निज़ाम औरंगजेब और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तोप है, तो वापसी में नीचे तौर तक देखना है। वापसी में पहले ये तोप का म्यूजियम देखना है, बाद में इधर में मूर्तियां जो मिली ना खुदाई में हिंदू देव देवता जैन तीर्थन कार की, इधर कॉरिडोर में रखे, जो कॉरिडोर ख़त्म होते हैं अंदर एंट्री लेना है, एक राउंड मार के वापस आके इस रास्ते से नीचे उतरना है। अभी वो जो गेट दिख रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नाम दिया है मौत का दरवाज़ा या कालकोट। तो देखेंगे, चलेंगे इस एरिया को नाम दिया है कालकोट। काल का मतलब होता है मौत या मौत का दोस्ता। लड़ाई में दुश्मन दरवाज़ा तोड़ेगा, यहाँ दो दरवाजे होते थे दुश्मन को रोकने के लिए। एक दरवाज़ा इधर दिखता है, दूसरा यहाँ पर टूट गया, सिर्फ हिंज बचा कॉर्नर में दिखता है। दो दरवाजे में दुश्मन बंद होगा, किले के इस पर ऊपर से हमला करेगा, कोई दुश्मन मारेगा। अब ये दीवार के पीछे में किले का सबसे बड़ा तोप है, उसको भेड़ का सर लगा, भेड़ समझता है मेंढा, भेड़ का। जब आप देखेंगे इनकी फाइट, ये कंटिन्यू फाइट करेंगे, मरने तक हारने तक फाइट छोड़ता नहीं। मैं बोल रहा था पहले नहीं था, डर लग रहा है, लकड़ी मिलता था, आवाज आती थी, इधर आ जाता ना छाव में। दो मिनट है यार, दो मिनट। सुनो सुनो, धूप गर्मी वाला नहीं है, बारिश वाला। जैसे हम छोटा दरवाजे से अंदर आते हैं, हम अंधेरे में आ जाते हैं। ये टोटली कवर था, 1952 में बारिश की वजह से ये कवर गिर गया। सनलाइट आता है, ये नेचुरली पहले से बना। जो भी अंधेरा इसमें रोशनी में आ जाए, आंखों में अंधेरा छा जाए। दो रास्ते दिखाई पड़ेगा दुश्मन को, एक रास्ता इधर है, दूसरा इधर है। दुश्मन सोचेगा इधर जाना, इधर जाना। उस वक्त किले के सिपाही गरम पानी गरम तेल ऊपर से फेंक देंगे, कोई दुश्मन मारे जाए। अगर कोई बच के आगे जाते हैं, आगे रखा तरीका है बच्चों वालों को मारना। ये देखिए गर्दन मत निकाल, अभी सुनो नहीं काट देते गर्दन निकलते। सनलाइट अंदर आता है तो यहाँ से गर्म पानी गर्म तेल दुश्मन से फेंका जाता था। हमें चार खिड़की देखे हमारे सर के ऊपर में, वहाँ जाने के लिए छुपने के लिए यहाँ एक रास्ता है और वहाँ एक रास्ता है। ऊपर जाने के लिए राइट से रास्ता, वहाँ तक अंधेरा है। अभी गवर्नमेंट ने लाइट लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 65 सीढ़ी के बाद में 400 सीढ़ी ऊपर है पहाड़ी के ऊपर, ऊपर में दो मंदिर महल तोप है। टाइम ताकत है तो जा सकते हैं। अगर आप ऊपर गए उसी रास्ते से नीचे आना है, इस दरवाजे से बाहर निकल कर इस सीढ़ी से नीचे उतरना है। उतरते वक्त मीनार देखना है, देखो मीनार, और मीनार के सामने अपोजिट में एक वस्तु संग्रहालय, मतलब म्यूजियम है, तोपों का म्यूजियम है और मूर्तियों का म्यूजियम, दोनों देख के बड़े रास्ते से नीचे उतरना। यहाँ आप पूरा जानकारी खत्म होता है, अभी खुद का टाइम लेना है, देखना है ऊपर। तो गुफा अंदर से है, ऊपर जाने का अंदर से थोड़ा सा है पैसे, उसके बाद में ओपन टू उसका है। चलते जाने के लिए आधा घंटा, मेरा नया होस्ट हो रहा है। आपने सब कुछ इसे गाइड ने बताया सब कुछ, लेकिन अब इसके ऊपर चलना, यहाँ पे गाइड की भी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। वहाँ आपका भाई लेके जाएगा आपको।
ये लोग भी आएंगे मेरे साथ, चलो। ये राकेश भाई, सत्यम भाई, संजय भाई और अपना सचिन भाई। अरे चलो बार बार सबका इंट्रोडक्शन ही देगा क्या? और ये मैं, चलो। लेकिन चलने ना भाई, इतना तो क्या फट, वो फट रही देरी चलना। क्या हुआ, नहीं चलना आगे? मैं तो बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, चल मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन भाई चल भाई, पूरा नहीं याद है यहाँ से ना, ज्यादा सीढ़ी नहीं है अब। चल मैं जा रहा हूँ, सीढ़ी नहीं है भाई, रुकना भाई। तो भाई लिटरली यहाँ तक आते आते हालत ख़राब हो चुकी है, ऐसा हो रहा है कि वापस चला जाऊँ, लेकिन अब थोड़ा ही दूर है, वो भी दिखाई देता हूँ आपको। मेरी भी हालत ख़राब हो गई है यार, पीछे यहाँ तक चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो चुकी है एकदम से, कुछ बोल नहीं पा रहा, एकदम हाँफ रहा हूँ। और ये पीछे जो है वो तोप, और ये आगे कुछ झंडा है, झंडा मतलब खंबा है, इसका झंडा हो उसका ये किला हो जाता था। तो भाई अब मैं यहाँ से पूरा टॉप व्यू चढ़ के रिटर्न हो रहा हूँ। भाई सच बता रहा हूँ यार, यहाँ तक जो झंडा, जहाँ तक दिखाया झंडा लगाया जाता है, वहाँ तक पहुँचना यार आजकल के लड़कों की बस की बात तो नहीं है। मेरे खुद 6 दोस्त में से 5 दोस्त नीचे आधे तक ही आके बैठ गए, वो तो मुझे भी किला पूरा दिखाना था आपको टॉप तक, इसलिए मैं आया, वरना मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी भाई यहाँ तक आने की। तो बहुत बहुत टफ है भाई, अगर आप लोग प्रॉपर फिट हो, ट्रैकिंग करते हो, तो यहाँ आने की सोचना, बाकी इतना ऊपर तो चढ़ने की सोचना भी मत। ये रहा एक बंदा यहाँ बैठा है भाई। ओ भाई क्या हुआ, नहीं चढ़ोगे ऊपर? अरे मैं ऊपर से ही आ रहा हूँ, दिखा तो नहीं रास्ते में तू एक बार? अरे झुट्टे, रिटर्न हो रहा था, लेकिन सचिन भी मिला मुझे, ये भी चढ़ के आया है। मैंने जैसे आगे वीडियो में बोला कि मैं अकेले चढ़ा था, लेकिन ये भी मेरे को रास्ते मिला, शायद ये भी चढ़ा है शायद। और वो देखो उसके कारण में अलग कीड़े हैं, गया मैं इधर से ही था भाई। तो भाई ये वो म्यूजियम है, कौन सा म्यूजियम? और यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, देखो ये मूर्ति हमको, जो हम छोड़ के गए थे वो मूर्ति हमको यहाँ मिली है इनबिल्ट तोप के साथ और ये मूर्ति भी मिली है यहाँ पे, और एक मूर्ति तो ऐसी मिली नहीं रही है, एक मूर्ति मिली नहीं रही है अभी तक। आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ थोड़ी मूर्तियाँ। ये अंदर का व्यू है म्यूजियम, जो ये सब मूर्ति वो मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पे किले में खुदाई करने के टाइम पे मिली थी, गणपति बप्पा मौर्य। ऊपर क्या है ये देखना, इधर से रास्ता है, और यहाँ पे कुछ है, गेट बंद है, लेकिन उसका तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको क्या है। ये दरवाजा बहुत खोलने की कोशिश की, पर ये प्लास्टिक से बंद है, इसको खोलने के लिए। और ये है वो पुराने जमाने की तोप जो खुदाई के दौरान मिली थी। क्या मजबूत है भाई, है ना, जो मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ, जो मैं नहीं उठा पा रहा हूँ तो कौन उठा पाएगा, हिल नहीं रहा, ये हिल नहीं रहा, इतना मजबूत तोप है ये। वो तोप म्यूजियम है ना, सारी तोप रखी है भाई, बड़ी से छोटी लेके। ये मैं और मेरी तोप है। आगे आगे ये तो भाई देवगिरी फोर्ट घूम लिया, कंप्लीट कर लिया, अब यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। हिम्मत नहीं बची, इन लोग की एक्साइटमेंट देख रहे हो आप लोग, अब किसी के अंदर ताकत नहीं बची कुछ बोले, बोल भाई, ताकत तो बहुत है, ताकत नहीं बची कुछ बोले। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।